फ्रेंड्स, आज इस पेपर की मदद से और ये थोड़े स्टोन कुंदन की मदद से और ये ग्लिटर यूज़ करके हम इस दिए को कैसा मेक ओवर कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए ये सारा मटेरियल लगेगा, स्टोन्स, मोती और ये ग्लिटर यूज़ करेंगे हम। और उसके लिए पेपर, आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, या कलर पेपर भी ले सकते हैं, या वाइट भी ले सकते हैं, मैं ये प्लेन ली हूँ। और इसको है ना, आप जितना आपका दिया रहेगा उस हिसाब से आप इसका छोटा बड़ा कट कर ले सकते हैं। अगर दिया बड़ा है तो बड़े साइज में कट करेंगे, अगर छोटा है तो हम छोटे साइज में कट करेंगे। और इसके पहले सब फोल्ड कर लेने का पेपर को, आप कलर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं वाइट पेपर यूज़ कर रही हूँ। चलो इसे कट करते हैं। मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियो में दिखाया है कि इसे कैसे रैप करते हैं, फिर भी मैं आपको आज वापस दिखा रही हूँ इसे किस तरह से रैप करते हैं। इस तरह से आप कितना इस दिए के गोल आप में डेकोरेट करना चाहते हैं उतने स्लाइस कट कर लेने का है आपको। मैं 5 कर रही हूँ, तो मैंने ऑलरेडी कट करके रखे सो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम ये स्टिकी मदद लेके इसको रैप करेंगे। पेपर को इस तरह से नीचे रखने का है और ये स्टिक को इस ऐसे रखने का है। ये स्टिक रख के रैप करेंगे तो थोड़ा ये अच्छे से स्टिफ आएगा। स्टिक के जगह पे और दूसरा भी आप दूसरे भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा ऐसा ये करने के बाद इसे इस तरह से ऊपर उठा लेंगे और इस तरह से रैप करेंगे। मैंने अपने पहले वीडियो में भी दिखाया है, तो भी मैं अब वापस दिखा रही हूँ एक बार। इस तरह से ये रैप करने के बाद हम इसे फेविकॉल की मदद से चिपका लेंगे। इस तरह से फेविकॉल लगा के हम इसके अच्छे से चिपका देंगे इस तरह से। और इसे धीरे से नीचे के साइड में पुश करके निकाल लेंगे। इस तरह से बनाने का है हमें रैप करके। ये हमारे दिए के साइड में लगाने का है, तो हम जो दिया जितना बड़ा रहेगा उसके हिसाब से कट करेंगे। ये मेरा दिया छोटा है तो मैं छोटे स्लाइस कट करी हूँ। ऐसे 5 कट कर लिए, 5 कट 5 बार कट करके बनाने का है। मैं ऑलरेडी बना के रखे सो है। चलो इसको कैसा डेकोरेट करते हैं अब मैं आपको दिखाऊंगी। आप चाहिए तो ऐसा पेंसिल से डॉट लगा लो, या नहीं तो फिर डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं इस तरह से। हम इधर स्टोन चिपकाएंगे। हम ये वाला स्टोन यूज कर रहे हैं अभी। इसे किस तरह से चिपकाना मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से हम गोंद इस गम ऐसे डॉट लगाए। कोई भी डिजाइन आप यूज़ कर सकते हैं, मैं सिंपल डिजाइन आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। फिर इस तरह से हम इसके ऊपर स्टोन चिपकाएंगे। धीरे एक एक करके चिपका देंगे हम इस तरह से। और ये हम
इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इस तरह से अभी हम इसे थोड़ा स्टोन को सूखने देते हैं, तब तक हमारा दिए को ये करेंगे। सबसे पहले हम इधर गम लेंगे, और आप जब दिए को तैयार करेंगे तो आप दिए के ऊपर कोई डिजाइन बना ले सकते हैं। मैंने तो फिलहाल आपको दिखा दूंगी एक सिंपल डिजाइन बना के। आप कोई भी इस पे डिजाइन बना कर सकते हैं। ज्यादा पेंसिल से डार्क मत करना, लाइट ही रख लेना, क्योंकि हम इसके ऊपर मटेरियल चिपकाएंगे तो वो मटेरियल के बाहर हमारा डिजाइन दिखना नहीं चाहिए। देखो फ्रेंड्स, शायद आपको दिखाया दिख रहा होएगा, मैंने एकदम लाइट ज्यादा डार्क नहीं किया है, लाइट लाइट ही मैंने इस पे डिजाइन बनाया इस तरह से। और हम नीचे इधर स्टोन चिपकाएंगे तो हम पाइस को पूरा इस तरह से गम लगा लेंगे। हम बाहर दिए खरीदने जाते हैं तो काफ़ी सुंदर रहते हैं, प्लस महंगे भी रहते हैं, तो हम घर पे अपने हाथों से तैयार करके सजा कर आपकी दिवाली में लगाएंगे। इस तरह से गम पूरा लगा देना चाहिए। इस तरह से सारा गम गोल लगाने के बाद हम ये स्टोन्स लगाएंगे इसके ऊपर। एक 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 करके धीरे धीरे चिपकाना। जब तक हमारा ये वाला सूख जाएगा तब तक हम इसे लगा देते हैं ताकि ये भी अच्छे से सूख जाए। आप कोई भी इसके ऊपर आपके घर में जो स्टोन्स अवेलेबल है आप वो यूज करके लगा सकते हैं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जो मटेरियल हमारे घर में बच जाता है वही मैं यूज करती हूँ। इसके लिए स्पेशली कोई चीज खरीद के नहीं लाती हूँ। जैसे हम सारीज में उधर लगाते हैं तब थोड़ा बहुत बच जाता है, तो वही यूज करती हूँ मैं हमेशा। मैं इसके लिए कोई खरीद के नहीं लाती हूँ। आप चाहे तो लेके आकर भी यूज कर सकते हैं, कोई और भी दूसरा मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम सारे चिपका देंगे। ये मैंने कैंडल की मदद से इसे फटाफट चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये कैंडल की मदद से चिपक भी जाता है। हम थोड़ा इसे नीचे प्रेस करेंगे ताकि हम इस तरह से दिया रखेंगे तब ये नीचे ना लगे। इस तरह से सारा लगा दिया। अभी इसे हम थोड़ा सूखने देंगे इसे। शायद मेरा ये वाला सूख गया होगा, ये अभी सूखा नहीं, तब तक हम वापस हमारा दिए को और ये करेंगे। फिर जो मैंने इधर डिजाइन बनाया है ना वो डिजाइन हम ये करेंगे। इधर हम अभी मोती यूज करेंगे। फेविकॉल है ना, हमें जितना स्टोन को लगता है उतना ही लगाने का है, ज़्यादा नहीं लगाने का है। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा स्टोन ठीक से लगेगा तो नहीं और फैल जाएगा जितना स्टोन को लगेगा। इस तरह से लगा के हम इधर अभी मोती यूज़ करेंगे। तो उसके पहले हम इस तरह की मोती की लड़ी लेके आते हैं ना, तब क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर हम जब ये मोती की लड़ी लेके आते हैं तो इसमें मोती है ना काफ़ी सारे हैं ना, सब एक दूसरे को चिपके हुए ही रहते हैं, ऐसे अलग अलग नहीं होते हैं। ये मैंने अलग किए सो है तो ये अलग अलग हो गए सो है, तो हम ये ऐसे ही रहते हैं, इसको है ना हम इस तरह से भी
अलग अलग कर देंगे इस तरह से। हम इसे एक, अब इस तरह से तीन तीन मोती आते हैं तो तीन तीन भी ऐसे इस तरह से डायरेक्ट लगा देंगे तो भी चल जाएगा। हम है ना, ये मोती हमें लगता नहीं तो हम ये पिन की मदद से और फटाफट लगा देंगे। आप पिन लो या दूसरा कोई भी ले सकते हैं, मैं तो पिन ले रही हूँ ताकि पिन से फटाफट हो जाता है, आपको चिपकाने में दिक्कत नहीं होती है इसमें। फ्रेंड्स ये थोड़ा है ना डिज़ाइन सूखने देते हुए हम ये करेंगे। इस तरह से लगाना है। अगर आपको किधर लग रहा है कि मेरी गम कम लगी है तो आप उधर ज़्यादा गम डाल सकते हैं, शायद इधर थोड़ा सा गम कम है। आप एक ही बार काफ़ी सारे ऐसे इस तरह से लेके इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से सारे डालते जाएंगे हमारा डिज़ाइन, जहाँ तक बनाया हमने डिज़ाइन वहाँ तक इस तरह से हम बना लिया। और दूसरी जगह वापस करते हैं। ये सूखा नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा कच्चा है तो हम जब तक हमारा इसके ऊपर ये करेंगे और ये सूख गया हमारा तो इसको बनाएंगे, तब तक वो सूख जाएगा। इसके अंदर हम ग्लिटर लगाएंगे, इस तरह से पेंसिल से डिजाइन बना लेंगे वापस। इस तरह से पेंसिल से हमने डिज़ाइन बना लिए। इधर हम गम थोड़ा ज़्यादा ही लगाएंगे क्योंकि गम के वजह से ग्लिटर अच्छे से चिपकेगा तो अच्छे से दिखाई देगा। इस तरह से हम पूरा गम लगा लिए। शायद आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, इस तरह से। चलो इसके ऊपर हम ग्लिटर डालते हैं। ये सारी चमकी हम इसके ऊपर अच्छे से डालेंगे, पूरा जितना हमने जिधर गम लगाया उसके ऊपर ही डालेंगे। धीरे धीरे स्प्रे करना अच्छे से। इस तरह से फ्रेंड्स, मैं ये बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखे सो है, क्योंकि ये सूखने में टाइम लगता है इसलिए मैंने ऑलरेडी बना के रखे सो है, वो आपको मैं दिखाऊंगी अभी।
इस तरह से हम बाकी के भी बना देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर है ना सूखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले से बना के रखे सो है ये। और ये वाले सारे हम जितने भी बनाएंगे वो सब इस तरह से बना देंगे ये करके। अब ये दिया हम ये इसके ऊपर इस दिए पे लगा के बाकी का डिज़ाइन फिर मैं आपको दिखाऊंगी इस पे कैसे चिपकाते हैं। ये काफी कच्चा है तो चलो हम यही डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं। ये जब तक ये सूख जाएगा तो हम जब तक दिए पे डिज़ाइन बना लेंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। इस तरह से सारे दिए में हम बना लेंगे डिज़ाइन। इसमें सूखने में टाइम लगता है इसलिए मुझे आपको इस तरह से दिखाना पड़ रहा है फ्रेंड्स, नहीं तो फिर हमारा डिज़ाइन बिखर जाएगा। इस तरह से सारा डे ये कर लेंगे हम और इसके ऊपर, और इसे सूखने के लिए रखेंगे हम ताकि ये अच्छे से सूख जाए, हमें वापस चिपकाने के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से सारा गम लगा लेके हम डिज़ाइन बना लेंगे और इसके ऊपर अभी हम मोती लगाएंगे। ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह से धीरे धीरे करके हम सारे जगहों ये लगा देंगे। आप एक ही बार काफी सारे मोती भी इसमें ले सकते हैं। इस तरह से लगा देंगे। हम पूरे आप चाहे अगर बड़ा दिया यूज़ करेंगे ना तो भी उसमें ऐसे ही ये करेंगे हम, और हम जब ये चिपकाएंगे धीरे धीरे करके चिपकाएंगे, अगर आप जल्दीबाजी करेंगे ना तो फिर हमारा सारा बिखर जाएगा। इस तरह से चिपकाएंगे।
सारे डिजाइन में लगाने का है हमें, जितना हमने बनाया है उधर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। अगर आपकी मोती एक दूसरे से चिपकी हुई है तो उसे वैसे ही लगाएंगे तो भी चल जाएगा, या आप डायरेक्ट माले से ही आप इसे लगा देंगे तो भी चल जाएगा, मगर मैं इसे सब अलग-अलग करके चिपका रही हूँ। काफी जल्दी हो जाता है, अगर आप डायरेक्ट धागे से ऐसे ही ये करके चिपकाएंगे तो और भी जल्दी होता है, मगर मैं इसे अलग अलग करके चिपका रही हूँ मोती को, ताकि मेरा डिजाइन अच्छे से आए। अगर हम धागे के साथ भी चिपकाएंगे तो भी आएगा। थोड़े से मोती चाहिए हमें। इस तरह से मैंने सारा चिपका दिया है, ये हमने जितना डिजाइन बनाया था उतना सब इस तरह से। अभी ये जो गैप है इधर हम चिपकाएंगे ये वाले दूसरे कुंदन, हम ये वाले कुंदन इधर बीच में जो हमारा गैप है उधर चिपकाएंगे। आप कोई भी डिजाइन ये कर सकते हैं, मैं तो आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ, इस पर डिजाइन नहीं बनाया है मैंने क्योंकि मुझको आदत है, इसलिए मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है और समझाए सो भी है। आपको कोई डाउट रहेगा या कुछ समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इस तरह से ये भी हम स्टोन्स लगा देंगे इधर। फ्रेंड्स बस इसे सूखने के लिए थोड़ा टाइम देना, मैं तो आपको तुरंत दिखा दे रही हूँ। इस तरह से हमें लगाना है। आप कोई भी डिजाइन बनाकर इस पे इस तरह से जो स्टोन चिपकाने का है उसके हिसाब से हम गम लगा के ये करेंगे। आप पहले से डिजाइन बना लो ताकि दिए पे हमें कंफ्यूज ना हो और खराब ना हो। मुझको तो आदत है, मैं डायरेक्ट करती हूँ आपको समझाने के लिए, इस तरह से ये कर रही हूँ। इस तरह से चिपकाने का है।
इधर बीच में भी ऐसे ही बनाएंगे, इस साइड में भी। हम सारे जगह डिजाइन बना लेते हैं, पहले सब जगह चिपका लेते हैं गम, फिर बाद में स्टोन्स चिपकाते हैं ताकि इजी हो जाए। फ्रेंड्स, आप डिजाइन बना लेके आप जो चाहे वो डिजाइन बना सकते हैं इस पे, जैसा अपना दिया रहेगा बड़ा छोटा। हमेशा मैं कैंडल की मदद से ही मैं ये स्टोन चिपकाती हूँ, चाहे कोई भी स्टोन्स हो तो कैंडल की मदद लेती हूँ ताकि हम फटाफट चिपका दें। और अगर हाथ से चिपकाएंगे तो गम पूरी हमारे हाथ को लगेगी, इसलिए मैं जो भी स्टोन यूज़ करती हूँ तो उसके लिए कैंडल यूज़ करती हूँ ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छे से आए और स्टोन वही जहाँ हम लगाना चाह रहे हैं स्टोन वहीं लगे। अगर हाथ से लगाएंगे तो स्टोन उधर इधर हो जाता है और गम भी हमारे हाथ को लग जाती है, तो इसलिए कैंडल की मदद, मैं हमेशा कैंडल की मदद लेती हूँ ताकि हम जो डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं वो अच्छे से बन जाए। इस तरह से सारे स्टोन हम चिपका देंगे। इस तरह से डिजाइन बनने के बाद हमें किधर लगता है कि हमारा स्टोन ठीक से नहीं चिपका, नहीं बना है, तो हम इस स्टिक की मदद से, काड़ी की मदद से हम उसको ठीक कर दे सकते हैं। इस तरह से हम सारा डिज़ाइन बना लिए और हम अभी इधर लाल वाला स्टोन चिपकाएंगे, लाल वाला स्टोन चिपकाएंगे अभी इधर हम बीच में। ये कच्चा है फ्रेंड्स, तो डिज़ाइन है ना खराब होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। मेरे मोती निकल गए इधर। तो हम इसे सूखने के लिए ज़रूर देना है क्योंकि मेरा काफ़ी कच्चा है ये, तो निकल जा रहा है डिज़ाइन मेरा, तो इसे थोड़ा सूखने देते हैं। अभी दूसरा स्टोन लगाएंगे हम इधर। हम थोड़ा सूखने देते हैं जब तक दूसरा स्टोन निकाल लेते हैं। ये रेड कलर वाला स्टोन लगाएंगे हम इधर। इस तरह से इधर हम अभी जो ये गैप है इधर हम रेड कलर वाला स्टोन लगा देंगे। इस तरह से
आप भी अगर जब भी कोई भी स्टोन अगर यूज़ करते हैं तो आप कैंडल की मदद लेना ताकि अच्छे से हमारे में स्टोन लग जाए। इस तरह से, और बाद में हम ये स्टिक की मदद से इसे थोड़ा प्रेस कर देते हैं ताकि और भी अच्छे से चिपक जाए। अगर टेढ़ा भी लग गया होगा तो स्टिक की मदद से हम इसे सीधा कर देंगे। इस तरह से हमारा डिजाइन बन गया। अभी ऊपर मैं आपको दिखाऊंगी। हमारा दिया अभी ऊपर के नीचे के साइड में तो पूरा अच्छे से हमने बना लिया इस तरह से, और इस तरह से सारी जगह हमने नीचे के साइड में बना दिया और अच्छे से दिख रहा है। मगर हमारा दिया ऊपर से है ना थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो चलो हम ऊपर के साइड में भी इसे सजा देते हैं। इस तरह से सारा गम लगा लेंगे पहले। आप भी जब लगाएंगे तब इस तरह से ही लगाना। हम दिया जब जहां पे जलता है वहां तक नहीं ये करेंगे, थोड़ा गैप देके पीछे की साइड से ही इसे ये करेंगे। अभी हम ये लंबा वाला स्टोन लगा रहे हैं। फ्रेंड्स ये काफी गीला है सब जगह, तो मैं बहुत धीरे से लगा रही हूँ ताकि मेरा डिजाइन बिखर ना जाए। आप है ना थोड़ा इसे सूखने के लिए टाइम दे देना है ताकि ये सूख जाएगा अच्छे से, या नहीं तो फिर हमारा डिजाइन इस तरह से फिर गम लग जाएगी अपने हाथों को और डिजाइन भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। अपने हाथों से अगर दिया सजा के हम ये करेंगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यू हैव टू गुड फील। ऐसे तो मार्केट में काफी सारे दिए मिल जाते हैं। सब धीरे धीरे करके चिपकाना ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। हमारा डिजाइन अभी कंप्लीट होने ही वाला है। इस तरह से हमने लगा लिया, और ये हम इधर ऊपर भी ये करे सो है, और हमारे हम अंदर चाहे तो आप अंदर भी डिजाइन बना सकते हैं। मगर इसके अंदर है ना मैं ग्लिटर यूज करूंगी, ताकि ग्लिटर यूज करने से क्या होता है अगर आप दिया जलाएंगे तब भी आपको कुछ नहीं होएगा उस टाइम पे अंदर के साइड में। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से। मगर काफी सारे लोग क्या करते हैं, ज्यादा करके हम बाहर से दिया सजाते हैं,
मगर अंदर पूरा खाली होता है, मगर अंदर भी हम सजाएंगे क्योंकि दिया जलाने के बाद भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगी। हम फेविकॉल अच्छे से लगाएंगे ताकि दिए में हम तेल डाल के जलाएंगे तब भी हमें कुछ नहीं होएगा, हमारा डिजाइन वैसे ही रहेगा। मगर गम अच्छे से लगाना, नहीं तो वह जो आप ग्लिटर डालेंगे ना, तो अगर जब दिया जल लेगा तो जल जाएगा, तो गम हमें अच्छे से यूज करना है। इस तरह से मैंने जो अंदर डिजाइन बनाया वो ये करे सो है, मगर इसे मैं अभी उल्टा नहीं करूंगी क्योंकि मेरा सारा डिजाइन जो भी बना है सो है सारा गिला है और मैं इसे उल्टा नहीं कर पाऊंगी। तो भी मैं आपके लिए एक बार करके दिखाऊंगी क्योंकि मैंने जो इसके अंदर ग्लिटर यूज किया है जो डिजाइन बना के वो आपको दिखाना है। तो हम ये इस तरह से होएगा, ये मेरा डिजाइन बनके कंप्लीट है पूरा। अब इसको साइड में मैंने जो पेपर रोल्स बनाए हैं वो कैसे लगाना मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये मेरे पेपर रोल्स जो बनाया मैंने वो भी सूख गए हैं, तो अभी मुझे थोड़ा लगाने में अभी भी दिक्कत तो होएगी फ्रेंड्स, मगर मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे लगाते हैं। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको अच्छे से दिखे और कैसे इसे लगाएं। हम जिधर लगाएंगे इधर हम इसे फेविकॉल लगाएंगे, हम जो पेपर रोल बनाया है उसको फेविकॉल लगाएंगे, इधर नहीं लगाएंगे। इस तरह से आप जितना चाहिए उतना लगा सकते हैं, मतलब आप जिधर लगाना चाहेंगे पेपर में उधर। इस तरह से लगाने का है हमें गम, और इसे इस तरह से धीरे से पकड़ के चिपका देने का है इस तरह से। हम सारे ऐसे ही चिपकाएंगे, पहले हमें इस तरह से रख के देख लेते हैं कि हमें कहाँ चिपकाना है, फिर बाद में हम उधर गम लगा देंगे। ये सारे इस तरह से चिपकाने का है, तो हम एक एक करके धीरे धीरे लगाएंगे। इस तरह से चिपकाना है। आप चाहे तो ये पेपर रोल पहले चिपका के फिर जो भी बनाना है वो बाद में भी बना सकते हैं। इस तरह से अभी हम ये ऊपर जो खाली खाली दिख रहा है हम इसे भी चिपकाएंगे, उसके लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे, ये फ्लावर्स यूज़ करेंगे। हम ये फ्लावर को गम लगा के फिर उसमें ये करेंगे।
ताकि अच्छे से चिपक जाए। गीला है, गीले में ऐसे ही होता है ताकि सूखने तक टाइम लगेगा। अगर सूख जाएगा ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस थोड़ा सा सूखने का वेट करना पड़ेगा। इस तरह से हम सारे चिपका देंगे। इस तरह से हम सारे चिपका देंगे। फ्रेंड्स ये है ना सारा डिजाइन मेरा गिल्ला है, तो मैं आपको इसे उठा के नहीं दिखा पाऊंगी, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी एक तैयार करके रखे सो है, मैं आपको वो दिखाऊंगी। ये पूरा बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। तो मैंने जो अंदर मैंने इसके अंदर जो डिज़ाइन बनाया है इसमें भी वैसे ही बनाया सो है। जब हम इसे चिपकाएंगे तो अच्छे से गम यूज़ करना, वरना ये ग्लिटर जो है हमारा जल सकता है, तो गम यूज़ करेंगे तो नहीं होएगा इतना। तो पूरा ये बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। हम डिज़ाइन पूरा ये बनाने के बाद इस तरह से ये होएगा, ये दिया इस तरह से दिखाई देगा हमारा दिया। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, मैं तो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि ये पूरा इस तरह से बनने के बाद पूरा ये ऐसे दिखाई देगा। जब हम मैंने ऑलरेडी फ्रेंड्स इस दिए में मैंने जलाया भी है, इस दिए को बना के यूज़ किया है इस दिए को, तो इसके अंदर डिज़ाइन तो कुछ ख़राब नहीं हुआ है। और शायद आप भी इस तरह से बनाइए और आपके दिवाली में जलाइए। और इसके दिए में हम डेकोरेट करेंगे इस तरह से, जो भी हमने मटेरियल यूज़ किया है एकदम सिंपल है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, मगर बस इसे सूखने का टाइम देंगे तो अच्छे से ये हो जाएगा। सूखने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा दिया सूखने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। और इसके नीचे मैंने स्टैंड बनाए सो है, वो स्टैंड आपको मेरे पहले वीडियो में देखना पड़ेगा। हम जो इस नीचे रखेंगे इसलिए ये आपको मेरे पहले वीडियो में बनाए सो है, तो आप उसे उसके अंदर देखिए और इस तरह से बना के आप एंजॉय करिए। हम हमारे दिए को इस तरह से बना ये करेंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा। हम इस तरह से रखेंगे इसको, फिर इसके बाद इसे रखेंगे इस तरह से। तो आप इस तरह से, तो ये नीचे का स्टैंड आपको नीचे का स्टैंड देखने के लिए मेरा पहला वीडियो देखना पड़ेगा, इसे कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कि अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको तुरंत मिलेगी प्लीज़, और बेल बटन को भी दबा देना। एंड टेक केयर, स्माइल, बाय।